सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो मूवीज दिन और आज हम बात करने वाले हैं रॉन्ग टर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली ये मूवी हमारे सामने रिलीज हुई है जो कि एक्चुअल में 2003 में जो आई थी हमारी रॉन्ग टर्न, उसका ही पूरा का पूरा रीमेक है। वो किस तरह से हमारे सामने रिवील होता है, ये सारी डिटेल्स जो कि ट्रेलर से हमें जो जानकारी मिल रही थी वो हमने ट्रेलर ब्रेकडाउन में कवर कर ली है, जो आपको आई बटन पर मिल जाएगी। तो जाके वो ट्रेलर ब्रेकडाउन देख लेना, फिर इस वीडियो को यानी इस रिव्यू को कंटिन्यू करना। तो चलिए आज हम करते हैं रॉन्ग टर्न द फाउंडेशन का पूरा मूवी रिव्यू। तो लेट्स बिगिन। मूवी स्टार्ट होती है जो कि नॉर्मल वे में स्टार्ट होते हुए हमें दिखती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने रिवील होती है और ऐसे ही धीरे धीरे करके फटाक से पेस में आ जाती है और डायरेक्टली आ जाती है ये वहाँ पे जहाँ पे ये जो दोस्त लोग हैं, कॉलेज के दोस्त लोग ये जा रहे हैं हाइकिंग पे, ट्रेकिंग करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने एक हिल चुना है वहाँ पे जाते हैं ये पूरे पूरे छः लोग। जहाँ पे जाने की वजह से वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो द फाउंडेशन का जो पूरा पूरा कबीला है, ये वहाँ पे किसी और लोगों को एक्चुअल में पसंद ही नहीं करता है। ये हमने पहले पार्ट में भी देखा है और यही इस पार्ट की पूरी पूरी मेन थीम है। जहाँ पे पहुँचते ही ये छः लोगों के ऊपर वहाँ के जो ये जो फाउंडेशन के मेंबर्स हैं ये हमला कर देते हैं और एक एक करके इस जो ये छः लोग हैं, ये छः जो ग्रुप से कॉलेज का, इन लोगों को मारते हुए लगते हैं। जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत हॉरर का तड़का, थोड़ा बहुत थ्रिल का तड़का देखने को मिलता है, बट अगर मेरी माने तो यहाँ पे कुछ भी दोस्तों मज़ा नहीं आता है। एकदम ही सिंपल सी स्टोरी रखी गई है और डायरेक्शन में भी इतना ज़्यादा मज़ा है नहीं। वो घूसबम्प्स देने के लिए कुछ बैकग्राउंड्स में कुछ म्यूज़िक बजता है वो ठीक है, बट जितना भी हमने रॉन्ग टर्न को आज तक पूरा का पूरा जाना है, जिस वे में फर्स्ट पार्ट हमने देखा है उस वे में ये कहीं पे भी नहीं दिखता है दोस्तों। क्योंकि अगर फर्स्ट पार्ट का अगर रीमेक कर रहे कोई तो उससे ही बेटर बनाना चाहिए हमेशा, लेकिन ये सबसे घटिया रीमेक होगा ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वही चीज़ें और वही हम सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करते हुए जाते हैं कि अब ये होगा, अभी ऐसा होगा, अभी वैसा होगा। एंड में एक ट्विस्ट रखा गया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि उतना भी ज़्यादा कारीगर साबित होगा। हाँ, अगर हॉरर की बात करें तो थोड़ा बहुत आपको हॉरर लग सकता है बीच बीच में, जहाँ पे द फाउंडेशन का जो पूरा पूरा क्लब है, जो कि मेंबर्स है, वो लोग जो कि वो कबीला है पूरा का पूरा, उन लोगों को देखने के बाद थोड़ा बहुत हॉरर आपको फील आएगा। जिस वे में एक एक लोगों को मारने की जो उनकी टेक्निक्स है, जो कि पेड़ पौधों के अंदर उनके जो ट्रैप्स छुपाए गए हैं वो जो दिखता है वो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में भी उन्होंने यूज़ किया था, इस पार्ट में थोड़ा बहुत अच्छे से यूज़ करते हुए हमें नज़र आता है। बट अगर डायरेक्शन वाइज बात करें, स्टोरी वाइज बात करें तो कुछ नया हमें इस फिल्म में देखने को नहीं मिलता है। अगर आप रॉन्ग टर्न के पहले वाले रॉन्ग टर्न के फ़ैन हो तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप इसके पहले वाली सारी फिल्में देख लो। ये फिल्म आपने स्किप भी कर ली, अवॉइड भी कर ली, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि एकदम सिंपल सी स्टोरी है दोस्तों और सिंपल वे में एग्जीक्यूट होती है। ना ही ज़्यादा हॉरर देखने को मिलता है, ना ही ज़्यादा थ्रिल देखने को मिलता है। हाँ, काट छाट वाली चीज़ें देखने को मिलती है क्योंकि ये आर रेटेड मूवी है पूरी की पूरी, जो कि वीओडी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है, जो कि आपको देखने को मिल सकती है। बट मुझे नहीं लगता है कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट करो, आप कुछ डेढ़ घंटे के आसपास मूवी है, एक घंटा कुछ 50 मिनट के आसपास की, तो इतनी भी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। बट हाँ, कैरेक्टर और बाकी डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो अच्छे से डेवलप किए गए हैं। एक एक कैरेक्टर के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हमारे सामने रखी गई है जो कि अच्छा लगता है, क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट ज़्यादातर इस फिल्मों में, ऐसी फिल्मों में तो देखने को बहुत ही कम मिलता है, जो कि इस फिल्म में हमें देखने को मिलता है स्टार्टअप में। और कॉमेडी नहीं है, कुछ हॉरर नहीं है, इतना कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता है फिल्म को देखने के बाद और बहुत ही ज़्यादा बोर करते जाती है धीरे धीरे ये फिल्म। थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग जैसे लगने लगती है वैसे ही पूरी पूरी स्लो पेस में फिर से आ जाती है। तो दोस्तों यही है पूरा का पूरा मेरा रॉन्ग टर्न का रिव्यू। आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने रॉन्ग टर्न फैंस के साथ ताकि उनको भी पता चले कि ये फिल्म देखनी भी है या नहीं, वो सारी चीज़ें उनको भी पता चले, इस वजह से इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना मूवीज इन चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन।